स्वागत है साइंस बग्स के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि अर्थ पे पानी कैसे आया। तो अर्थ पे पानी आने के पहले हम कुछ बातें करेंगे। ऑलरेडी आप भी जानते हैं कि हमारा बॉडी भी देखा है तो 70% वाटर से मिलकर बना है। अगर हम अर्थ की बात करें तो 71% वाटर है। बाकी अदर एनिमल की बात करें तो उनके लिए भी पानी कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप भी जानते हैं कि वाटर नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो बच्चों पानी की बात होती है। अगर हम बात करें अर्थ पे पानी कैसे आया, तो अर्थ पे पानी जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम केमिस्ट्री से बात करें तो हमारा पानी है ये हमारा H2O, इट मीन टू हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर ही हमारा वाटर बना है। अगर हम केमिस्ट्री की बात जाए तो इसके भी तीन नाम होते हैं, जैसे हमारे बचपन के भी एक स्कूल का नाम होता है, एक ननिहाल का नाम होता है और एक घर का नाम होता है, उसी तरह इसका भी तीन नाम है। अगर ये हमारा पानी सॉलिड के फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग आइस बोलते हैं, और वहीं पानी यदि लिक्विड के फॉर्म में होते हो तो उसे हम पानी बोलते हैं, और वही पानी यदि गैस के फॉर्म में है तो इसको हम भाप बोलते हैं। ये तो ऐसी बात रही। अब आते हैं तो देखिए, इसका कोई अगर बात किया जाए तो कोई स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो इसका कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है। कहा जाता है कि हमारा अर्थ पे ऐसे पानी हुआ। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बिग बैंग थ्योरी हुआ था अर्थ यूनिवर्स में, तो वो बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो 13.8 अरब साल पहले हुआ था वहाँ पे बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद कहा जाता है कि आफ्टर 3 मिनट के बाद वहाँ पे एक सिंपल सा एटम का जन्म हुआ जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। वो हाइड्रोजन आगे चलकर फ्यूजन करके हीलियम बनाया, और हीलियम बनने के बाद बहुत सारे आपस में आगे चलकर हीलियम और ऑक्सीजन आगे चलकर बहुत सारे आपस में मिलकर फ्यूजन करके बहुत सारे एलिमेंट गिर गए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है ऑक्सीजन आता है। तो ये तो बात की बात हुई। अब उसके बाद क्या होगा कि 9.2 अरब अगर साल पहले जाएं तो उस समय हमारा पृथ्वी और जो सन है वो बनना स्टार्ट होगा। तो कहा जाता है कि जब पृथ्वी बन रहा था तो उसके चट्टानों पे बहुत सारे पानी इकट्ठा हो गए, तो इतना उस समय गर्मी था कि वो चट्टानें हमारे अर्थ के अंदर आ गई, और अर्थ के आने के चलते क्या होता है कि वो अर्थ के अंदर आ जाती है। तब तक इतनी अर्थ गर्म होती है कि धीरे 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 वो पानी वाष्प बन के निकलने लगता है। तब तक क्या होता है वहाँ पे, तब तक हमारा वायुमंडल बन चुका होता है जिसके चलते बारिश होती है। ये तो पहली थ्योरी की बात करते हैं। अब आते हैं हम सेकंड थ्योरी के बारे में। तो सेकंड थ्योरी कहता है कि अर्थ जब हुआ तो उस समय आपको भी पता होगा कि अर्थ की बात करें तो इसका सन से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 3rd पोजीशन पे है। तो जैसे हमारा पानी अगर हम बात करें अर्थ पे गया, तो कहा जाता है कि उस समय कि बहुत सारे एस्टेरॉयड बहुत सारे मेटियोर अर्थ पे टकराए, और वहीं कहा जाता है कि हमारे अर्थ पर वो पानी लेकर आए। ये तो कहने की बात है। तो अभी तक साइंस की बात किया जाए तो ये जो हमारा सेकंड थ्योरी था इसको ज़्यादा उसको प्रूफ मानते हैं, बट इसका कोई एग्जैक्ट अगर बात करें तो कहना थोड़ा अजीब लगेगा, बट यही थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं कि आखिर में अर्थ पे पानी कैसा आया। तो अगर बात करें, अगर हम दोनों के देखें कि अगर देखा जी यही अगर हम मून और शुक्र की बात करें तो वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वहाँ पे पानी तो हम संभव ही नहीं है, और वहीं मंगल की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड है। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट अर्थ पे माना जाता है पानी का, तो है हमारा डिस्टेंस का मॉडरेट डिस्टेंस है, एक मिनट कहा जाए तो ये डिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, जिसके चलते पानी के देखा जाए यहाँ पे एग्जिस्टेंस रहा। तो अर्थ पे देखा जाए तो सेकंड थ्योरी को ज़्यादा माना जाता है कि अर्थ पे हमारा पानी ऐसे आया।